वेलकम टू द डे 75 डे 75 डेज चैलेंज। और पांचवें दिन हम जानेंगे पांच भाइयों की कहानी, जिसमें पहला है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो कि पूरे यूरोप और रशिया साइड में बहुत ही डेंजर पाया जाता है एज कम्पेयर टू एशिया, क्योंकि वहां पे ये वायरस म्यूटेट कर चुका है और अपना ई एंटीजन शो नहीं करता है, जिसके कारण आपके बॉडी में उसका रेप्लिकेशन पता नहीं चलता है। और जो एंटीबॉडी उनके अगेंस्ट बनते हैं वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस सिक्योरिटी सिस्टम को ये इजीली एस्केप कर देता है। ये वायरस जनरली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नीडल्स हेयरिंग, टैटूइंग नीडल्स, एक्सीडेंटल नीडल इंजरी या फिर इन्फेक्टेड मदर टू बेबी में ट्रांसमिट होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसके स्टार्टिंग सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि आपको अपने फेवरेट खाने की तरफ देखने का भी मन नहीं करेगा। अगर आप सिगरेट पीते हो तो आपको सिगरेट के स्मेल से भी नोजिया फील होगा और मल्टीपल राउंड्स ऑफ वोमिटिंग होगा और हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस होगा, जहां आपका SGPT लेवल्स 2 गुना तक बढ़े होंगे। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्यूट हेपेटाइटिस बी के 90% केसेज इजिली रिकवर कर जाते हैं विद प्राइमरी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बट क्रॉनिक केसेज में थोड़ा समय लग जाता है। और यहीं पर हमारा आज का चैलेंज हुआ पूरा। बोलो जय।